हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टार्डस में। और यार आज की इस वीडियो में हम रूसफ ब्रदर्स की एज अ डायरेक्टर रिलीज तमाम मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीवर एंथोनी रूसफ और जो रूसफ, ये रूसफ ब्रदर की जोड़ी है जो कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज बनाती है। और एज अ डायरेक्टर इनकी पहली फिल्म का नाम है वेलकम टू कॉलिनवुड, जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी। तो अब तक एज अ डायरेक्टर रूसफ ब्रदर कितनी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं, और साथ ही साथ उनके कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो क्या है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो एवर एंथोनी रूसफ और जो रूसफ की डायरेक्शन में बनने वाली पहली मूवी का नाम है वेलकम टू कॉलिनवुड। फिल्म की लीड कास्ट में विलियम एच मैसी, आइजा वाशिंगटन और सैम रॉकवेल शामिल थे। इंग्लिश लैंग्वेज की यह मूवी 18 अक्टूबर साल 2002 को रिलीज हुई। 12 मिलियन यूएस डॉलर्स के बजट में बनी इस फिल्म ने डोमेस्टिकली 3.36 मिलियन यूएस डॉलर्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 4.17 मिलियन यूएस डॉलर्स के कलेक्शन हुए और बॉक्स ऑफिस पर वेलकम टू कॉलिनवुड एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। एंथोनी रूसफ और जो रूसफ की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है यू मी एंड डुबरी। फिल्म की लीड कास्ट में ओविन विल्सन, मैट डिलन और कैट हेडसन शामिल थे। इंग्लिश लैंग्वेज की यह मूवी 14 जुलाई साल 2006 को रिलीज हुई। 54 मिलियन यूएस डॉलर्स के बजट में बनी फिल्म ने डोमेस्टिकली 75.62 मिलियन यूएस डॉलर्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 130.62 मिलियन यूएस डॉलर्स के कलेक्शन हुए और बॉक्स ऑफिस पर यू मी एंड डुबरी एक हिट फिल्म साबित हुई। एंथोनी रूसफ और जो रूसफ की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। फिल्म की लीड कास्ट में क्रिस एवन, स्कारलेट जॉनसन और सेबेस्टियन स्टैन शामिल थे। इंग्लिश लैंग्वेज की यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। 170 मिलियन यूएस डॉलर्स के बजट में बनी इस फिल्म ने डोमेस्टिकली 259.76 मिलियन यूएस डॉलर्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 714.42 मिलियन यूएस डॉलर्स के कलेक्शन हुए और बॉक्स ऑफिस पर कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। एंथोनी रूसफ और जो रूसफ की डायरेक्शन वाली नेक्स्ट मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। फिल्म की लीड कास्ट में क्रिस एवन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, स्कारलेट जॉनसन, सेबेस्टियन स्टैन और एंथोनी मैकी शामिल थे। इंग्लिश लैंग्वेज की यह मूवी 6 मई 2016 को रिलीज हुई। 250 मिलियन यूएस डॉलर्स के बजट में बनी इस फिल्म ने डोमेस्टिकली 408.08 मिलियन यूएस डॉलर्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 1,115 मिलियन यूएस डॉलर्स के और बॉक्स ऑफिस पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। एंथोनी रूसफ और जो रूसफ की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। फिल्म की लीड कास्ट में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रफेलो, क्रिस एवन, स्कारलेट जॉनसन, टॉम हॉलैंड और सेबेस्टियन स्टैन शामिल थे। इंग्लिश लैंग्वेज की यह मूवी 27 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई। 316 मिलियन यूएस डॉलर्स के बजट में बनी इस फिल्म ने डोमेस्टिकली 678.81 मिलियन यूएस डॉलर्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 2,052 मिलियन यूएस डॉलर्स के कलेक्शन हुए और बॉक्स ऑफिस पर एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। एंथोनी रूसफ और जो रूसफ की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है एवेंजर्स एंड गेम। फिल्म की लीड कास्ट में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवन, मार्क रफेलो, क्रिस होमवर्थ, स्कारलेट जॉनसन और जेरेमी रेनर शामिल थे। इंग्लिश लैंग्वेज की यह मूवी 26 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई। 356 मिलियन यूएस डॉलर्स के बजट में बनी इस फिल्म ने डोमेस्टिकली 858.37 मिलियन यूएस डॉलर्स के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 2,799 मिलियन यूएस डॉलर्स के और बॉक्स ऑफिस पर एवेंजर्स एंड गेम एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। एंथोनी रूसफ और जो रूसफ की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है चेरी। फिल्म की लीड कास्ट में टॉम हॉलैंड, केरा ब्रावो, जैक राइनर और जेफ वेलबर्ग शामिल थे। इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी 26 अप्रैल 2021 को रिलीज हुई। 40 मिलियन यूएस डॉलर्स के बजट में बनी ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म एपल टीवी प्लस पर डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। थिएटर्स पर यह फिल्म रिलीज न हो सकी। एंथोनी रूसफ और जो रूसफ की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है द ग्रे मैन। फिल्म की लीड कास्ट में रायन गॉसलिन, क्रिस एवन, एना डी आर्मस और जेसिका हेनविक शामिल थे। इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी 15 जुलाई 2022 को डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के थ्रू दिखाई गई थी। थिएटर्स पर यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी थी और यही एज अ डायरेक्टर रूसफ ब्रदर की जोड़ी की अब तक रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म भी साबित हुई है।
और एज अ डायरेक्टर जोड़ी रूसो ब्रदर की अपकमिंग मूवी का नाम है द इलेक्ट्रिक स्टेट। फिल्म की लीड कास्ट में मिली बॉबी ब्राउन, क्रिस प्रैट, कीवी क्वान, स्टैनली टूची और जेसन अलेक्जेंडर शामिल थे। इंग्लिश लैंग्वेज की ये मूवी 2024 में नेटफ्लिक्स के थ्रू डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप व्यूअर्स को दिखाई जाएगी और ये फुल साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर मूवी होगी। तो यूर ऐसा डायरेक्टर रूसो ब्रदर अब तक 8 मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं, जिनमें से उनकी 3 मूवीज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 1 मूवी ब्लॉकबस्टर और 1 मूवी हिट रही और उनके कंप्लीट करियर में 1 मूवी फ्लॉप रही है। तो इसी के साथ रूसो ब्रदर की 2 मूवी डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई है। तो इस हिसाब से हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर जोड़ी रूसो ब्रदर का सक्सेस रेशो बनता है 83.33%। तो इवर ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने रूसो ब्रदर की जोड़ी एंथोनी रूसो और जो रूसो की एज अ डायरेक्टर ली सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर की। तो आज की इस वीडियो में मौजूद रूसो ब्रदर की इन सभी मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे आज का वीडियो किस गली, किस शहर और किस देश से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने शहर और अपने देश का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारे आज का वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मैसान स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल मैसान स्टार्टर्स को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आप हमारी आज का वीडियो किस शहर, किस देश से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें जानकर खुशी महसूस होगी कि हमारे ये वीडियो कहां कहां पर देखा जा रहा है। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया।